हाँ जी, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या हाल चल है आप सबके? तो बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं आज। बहुत दिन के मतलब 5-6 दिन हो चुके हैं जब से ट्रिप से घर पे आया हूँ। रेस्ट ही चल रहा है व्लॉग तो बनाने का, लेकिन वापस से अब रूटीन पे आना पड़ेगा। जो धंधा है हमारा वो फॉलो करना पड़ेगा वापस से। तो बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार तुम बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो, एक्सपीरियंस की बात यह है कि मैं पहले भी बहुत बार जा चुका हूँ। इस बार नया एक्सपीरियंस ये कर रहा था कि मैंने -15 में सोलो कैंपिंग करी थी। ये नया एक्सपीरियंस है। तो बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि भाई आपका ट्रिप कैसा रहा, वहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं, आपको रात को डर नहीं लगा या आपको ठंड ज़्यादा नहीं लगी, ये वो ये बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब है मैं आपको दूंगा आज। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है, सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिन पे उनका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो वो डाउट क्लियर करने से पहले अपन बात करते हैं पहले इंडिया के परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत बढ़िया प्ले कर रही है इस बारी। तो इस बात पे हो जाए ना बोला जो मेरे को काफी फनी लगा था, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि इंडिया के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। तो होपफुली तुम्हें अच्छा लगा होगा कि वो मोदी जी भी नाच रहे हैं, राहुल जी भी नाच रहे हैं, विराट कोहली और सारे नाच रहे हैं। पता नहीं किसने बनाया है भाई, बनाने वाले की कमाल है। ऐसे मीम छाप के चेहरा लगा के बना के कमाल है यार, एडिटर की कमाल है। तो बात करते हैं पहले उस क्वेश्चन की जो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। मेरा ट्रिप बहुत फर्स्ट क्लास था भाई, बहुत मजा आया। मैंने जिंदगी में इससे अच्छा ट्रिप कभी नहीं किया। मैंने बहुत सारे ट्रिप करे हैं हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बहुत बारी 15-20 दिन लगाए हैं, लेकिन ये ट्रिप काफ़ी अच्छा था। क्योंकि क्यों अच्छा था? क्योंकि ये ट्रिप था सोलो। भाई सोलो जिंदगी जीना अलग ही लेवल का होता है, ये उसको पता होता है जो सोलो जाता है। वरना आजकल लोग क्या करते हैं भाई, उस दोस्त से पूछते हैं हाँ भाई चलेगा मनाली, वो बोलते नहीं। हाँ दूसरे से पूछते हैं चलेगा मनाली, बोलते नहीं। तो वो सोलो जाता ही नहीं है, वो उन दोस्तों के चक्कर में घर बैठा रह जाता है। तो इससे अच्छा है कि उन दोस्तों से पूछने के बजाय खुद सोलो ट्रैवल कर लो यार। बहुत कुछ सीखने के तुमको मिलेगा, बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी, वो अपना बिजनेस के बारे शेयर करेंगे, तो अपना शेयर करो। मतलब बहुत अलग लेवल है सोलो में। मेरे को बहुत मजा आया। मैं अगला ट्रिप भी जाऊंगा वो सोलो ही जाऊंगा, मैं सोच लिया सोलो ही जाऊंगा। ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी से भाई चल पड़ यार, प्लीज चल पड़ यार, कैसे चलेंगे, ये है वो है। या अपना अकेला जाओ, सोलो करो, मजे करो, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब लोग सोचते हैं डर लगेगा। अरे डर किस बात का यार, देश अपना ही है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर भी मैं आता हूँ अभी। अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जो लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई तुम्हें डर नहीं लगा अकेले गए थे, तुम अकेले कैंप में सोए थे, कोई जानवर आ जाता या कुछ हो जाता, तुम अकेले रात को सोए थे। मेरी सुनो बात, मैं डरता पहले किसी के बाप से नहीं हूँ, वो बात अलग है कि मैं अपने बाप से डरता हूँ, लेकिन ये टॉपिक अलग है कि वहाँ पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मेरा देश है, वहाँ पे आसपास लोग थे, वो बात अलग है, थोड़ी दूरी पे थे लोग, लेकिन यार मैं सोलो ट्रैवल पे गया था यार, वहाँ पे मैं ये थोड़ी देखता कि मेरे को डर लग रहा है, कोई बंदा चाहिए साथ में सोने के लिए। अगर मेरे को डर लगता तो यहाँ से पहले ही बंदा लेके जाता ना मेरे साथ, ये भाई मेरे को साथ चाहिए, मैं अकेले नहीं ट्रैवल कर सकता। ऐसा नहीं होता, सोलो ट्रैवल अलग होता है। वहाँ पे बंदा कहीं पे भी जाता है तो ये सोच के थोड़ी जाता है कि यार मुझे किसी का साथ चाहिए। सोलो तो भाई सोलो होता है ना यार। मेरे जहाँ पे मैंने कैंप लगाया था, मेरे थोड़ी सी दूरी पे 2-3 लोग थे, मैं 10 लोग भी नहीं थे, 3-4 लोग ही थे बस। वो भी जो वहाँ पे कैंप चला रहे थे ओनर थे, वही लोग थे, और कोई लोग नहीं थे। वहाँ ठंडी बहुत होती है, नीचे कौन आता है, नदी के किनारे वो सारे ऊपर रहते हैं लोग, गांव ऊपर बसा हुआ है। तो मुझे डर नहीं लगा, आपका डाउट क्लियर हो गया ना ये, और डरता किससे हूँ वो भी डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं कि, और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कहा था कि मैं 1 महीने के लिए घूमने जा रहा हूँ और फिर 15 दिन बाद ही क्यों घर वापस आ गए। यार मेरी सुनो बात, मैंने पहली बात तो ये लिख के नहीं कहा था कि मैं पूरा 1 महीना ही लगाऊंगा, और दूसरी बात मैं और दिन लगाने वाला था, लेकिन कोई छोटा सा जरूरी काम आ गया था, मेरे को घर पे आना पड़ा, पापा का जरूरी काम था। तो पापा जी के जो हुक्म होते हैं वो सलाखों पे होते हैं, वो जैसा मर्जी हो, कहे बंदा कहीं भी बाहर हो, वो जरूरी होता है। तो वो काम मेरे को जरूरी लगा था तो मैं वापस घर आ गया। और तुम चिंता मत करो भाई, तो कुछ दिनों बाद ही नया ट्रिप शुरू होने वाला है, थोड़ा सब्र रखो, टाइम आएगा। कि मैं अपने ख्याल आपको बता दूं कि मैं वापस से इस 4 दीवारी में रहने लग गया हूँ। कि 4 दीवारी मतलब मेरा घर यार, 4 दीवारी ही होती है और क्या होता है। जहां मैं रह रहा था वहां पे तो पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, और यहाँ पे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें। इन दीवारों को, इन फोटो को, तस्वीरों को देख के थक चुका हूँ मैं। और अब बात करते हैं कि -15 के टेम्परेचर में ठंड को कैसे झेला मैंने। देखो पहली बात तो ये कि ये अपने आप में एक हिम्मत की बात है जो मैंने करी है। अच्छा ठीक है। और ये कारनामे वही बंदा कर सकता है जो ठंड को झेल सकता है।
आम बंदा इस ठंड को नहीं झेल सकता, क्योंकि जहां पे बंदा रहता होता है दिल्ली में, चंडीगढ़ में या कहीं भी, वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो प्लस में होता है 10-12-15 के करीब, वहां पे माइनस में था, -15 के करीब भाई, और उसको झेलना हर किसी के बस में बात नहीं होती। ये बंदा वही कर सकता है जिसको जुनून हो और ठंड झेल सके। सीधी बात है, वहां पे जाके एक काम सीखना पड़ेगा आपको, वो बंदा बॉडी कांपती है ना ऐसे ऐसे कांपती ना थोड़ी थोड़ी, वो तो कांपेगी ठंड में, दिन में नहीं कांपेगी, रात में ही कांपेगी। तो अगर आपके पास जैकेट बहुत मोटी है, -25 तक चलती है वो, तो बंदा नहीं कांपेगा। सीधी बात है, आपको दो सॉक्स डालनी पड़ेगी, नीचे जो पैंट है वो काफी वूलन वाली डालनी पड़ेगी जिससे ठंड ना लगे, और जैकेट मोटी जो ठंड ना अंदर जाए, तो बंदा बिल्कुल बच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं डरा नहीं रहा आपको, बंदा झेल सकता है ठंड, लेकिन फिर पेशेंट के साथ जाना पड़ेगा आपको, ये बात क्लियर कर दी है मैंने। तो ऐसे टाइम पे अभी -15 टेम्परेचर था, वो तो दिसंबर में -25 हो जाएगा, फिर तो और भी ठंड हो जाएगी। तो मैं लेने वाला हूँ जैकेट ऐसी जो मेरे को ठंड ना लगे, तो मैं उसके लिए सर्च कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि तुम इतना सारा सामान लेके सोलो कैसे चले गए, इतना सारा सामान उठाना किसी की, हर किसी की बस में बात नहीं होती, और इस हाथ में स्लीपिंग बैग, नीचे इसी हाथ में मैट, और इस हाथ में खाने का सामान का बैग, और पीछे इतना लंबा जो बंदे जितना रोबोट जितना बैग था मेरा वो। यार देखो, ऐसी बात होती है ना, जब तुमको जुनून होता है ना किसी चीज़ का, और उस जुनून के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो उस बैग में थी, और हर किसी बैग में थी, तो मेरे को हर चीज़ ले जानी जरूरी थी भाई। अगर मैं कोई चीज़ ना लेके जाता तो मेरे को वहाँ पे कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल नीचे कैंपिंग करी थी नदी के पास, ठीक है, वहां पे कैंप में जो भी मेरे को सामान चाहिए था बनाने के लिए या कुछ भी, हर एक छोटी से छोटी चीज, बर्तन मांजने वाली या कपड़े धोने वाली, हर एक छोटी से छोटी चीज वो मेरे पास थी। अगर वो मेरे पास ना होती, मैं साथ ना लेके जाता, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ता बार बार, रोज के रोज पहले गांव में जाके खरीदना पड़ता, फिर नीचे आता, ऐसे मेरी जो एनर्जी है वो भी वेस्ट होती और टाइम भी वेस्ट होता। इससे अच्छा है कि मैं खुद लेके चलूँ। थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है मेरे को, वो जैसे कि खुद उठाना, थक जाना, बार बार रुकना, इतना सारा सामान था नहीं होता, लेकिन कर लेता है बंदा मैनेज। मैंने कर लिया मैनेज, मेरे को विश्वास है मैंने कर लिया, तो मैं लेके गया था। तभी जिसको विश्वास है वो कर लेता है, जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं कर पाता। और ये भी डिपेंड करता है ना, बंदे की बॉडी बनी होती है, बंदा जिम जाता है, मैं तो स्क्वाट लगाता हूँ, 1 क्विंटल की स्क्वाट है, तो वो बैग कम से कम होगा 35-40, तो आम बात है ना यार, तो हो जाता है। तो ये बात आपका डाउट क्लियर हो गया ना कि मैंने इतना सारा सामान उठा के गया था, तो मैंने वो मैनेज कर लिया था। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो जरूर जाओ, लेकिन पहले उस बैग को डाल कर देख लेना घर में तुम कितनी डाल के रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग पूरे सारे देखे हैं जो ट्रिप वाले थे, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ सामान जो है भिजवाया था काजा स्पीति वैली से चंडीगढ़ में, एक वैन जीप वाला मिल गया था मेरे को, टाटा मोटर्स वाला, तो मैंने स्लीपिंग बैग, कैंप और कुछ मैले कपड़े थे जो मैंने भिजवा दिए थे चंडीगढ़ में दोस्त के पास, और मेरे को यहाँ पे आए हफ्ता से ऊपर हो गया है और मैं अभी तक लेने नहीं गया। वो 15 दिन होने वाले होंगे, वहां से तो हफ्ता पहले भिजवाए थे, यहाँ पे आके हफ्ते से ऊपर हो गया, तो 15 दिन होने वाले हैं, वो सामान लेने अभी तक गया ही नहीं। तो मैं अभी चंडीगढ़ जाऊंगा, और अभी नहीं, आज नहीं, इन दिनों जाऊंगा और वो सारा सामान जाके उठा के आऊंगा। वो कपड़े भी धोने, अभी धोए नहीं है। मेरी तो बातचीत चलती रहेगी, मैं तो बहुत कुछ सुनाता रहूंगा आपको। आप सुनाओ, आपके क्या हाल चला है, आपकी दिवाली कैसी चल रही है। आप तो कुछ जॉब वाले होंगे, कुछ बिजनेस वाले होंगे, बिजनेस वाले होंगे तो वो काफी बिजनेस में बिजी होंगे, और जो जॉब वाले होंगे वो उनकी छुट्टियों का इंतजार कर रहे होंगे, बस फटाफट से दिवाली आ जाए। एक तो अफसोस की बात यह है, बेचारों का दुख मनाना मुझे पड़ रहा है, दिवाली संडे को है, वरना उनकी छुट्टी मारी गई। हम भी स्कूल में होते थे जब, तो मुझे डर होता था कि यार प्लीज दिवाली या कोई अच्छा फेस्टिवल जो भी होता है जिसकी छुट्टी होती है वो संडे को ना आए तो मेरी छुट्टी मारी जाएगी। तो होपफुली आपको भी पता होगा ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और होपफुली आपके ये जो डाउट थे मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आपके मन में अभी और भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से विशेष टिप्पणी बनाऊंगा व्लॉग में, या फिर आपको कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं वैसे भी रिप्लाई करता ही हूँ हर बंदे को, क्योंकि अभी मैं इतना ग्रो नहीं हुआ ना कि मैं काफ़ी बिजी हो जाऊँ, लेकिन डेफिनेटली वो भी टाइम आएगा, भगवान हमारे साथ हैं तो वो टाइम भी आया जरूर आएगा। टाइम कभी स्टेबल नहीं रहता है, टाइम बदलता रहता है, हमारा भी टाइम आएगा। और अगर आपको कोई भी पूछना है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में, होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे, एंजॉय योर लाइफ, मे फुलफिल योर ड्रीम्स।